नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के लाइफ स्टाइल वास्तु सीरीज के 27th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु सीरीज पे कि बच्चों की शिक्षा और करियर को बेहतर बनाने के लिए, बौद्धिक विकास को डेवलप करने के लिए वास्तु के अनुसार छोटे छोटे चेंजेस और प्रयोग क्या किए जा सकते हैं कि बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। आपको पता ही है कि फरवरी मार्च में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आने वाले दिनों में एग्जाम की झड़ी लग जाएगी, बहुत सारे लोगों को ओलंपियाड देना है, सेट मैट कैट की तैयारी करनी, विदेश पढ़ने जाना है, दूसरे शहर में जाना है, अप्लाई करना है। तो आज आपको इस कार्यक्रम से कुछ निराशा नहीं होगी, सिर्फ आशा रखनी चाहिए। बच्चों में माता पिता की जान बसती है और सब अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं जिससे वह हेल्दी और एनर्जेटिक फील कर सके। पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार रहें, हमसे बेहतर जिंदगी जी सके। बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। अपनी खुशियों को छोड़ माँ बाबू जी अपने बच्चों की खुशियों के लिए त्याग करते हैं, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी जब वे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, मन नहीं लग पाता, उल्टा सोशल मीडिया में ज्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि आसपास का पढ़ाई करने का वातावरण ही निराशाजनक होता है, तो माता पिता को बहुत दुख होता है। आपने ऐसा कभी सोचा है क्या इसका कारण है, क्या हो रहा है ये सब? बच्चों के मल्टी डेवलपमेंट के लिए सही खान पान और गाइडेंस, एजुकेशन के साथ साथ हेल्दी एटमॉस्फेयर भी जरूरी है। हम हमेशा बच्चों को समझाने में लगे रहते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करिए। आप अपने जमाने को इन बच्चों के साथ मत कंपेयर करिए, कभी फायदा नहीं होगा। थोड़ा आप बोल्ड बनिए, थोड़ा उनके साथ प्यार मोहब्बत से उन्हें मोल्ड करने की कोशिश करें। बच्चे एक ऐसे बीज होते हैं जिनमें विकास की अनंत संभावनाएं छुपी हुई होती हैं। आज ये ही पॉसिबिलिटी आपके लिए हकीकत बनने जा रही है। बच्चों के टैलेंट को इंक्रीज करने के लिए उन्हें बचपन से ही पॉजिटिव माहौल देना जरूरी है। वास्तु के उपायों का ध्यान रखा जाए तो बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ में काफी सुधार देखने को मिलता है। आइए प्रिय साथियों, उन उपायों के बारे में बात करें जिन्हें अपनाकर अपने बच्चों को एक उज्ज्वल भविष्य की राह दिखाई जा सकती है। पहली बात, स्टडी टेबल को नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में या नॉर्थ या ईस्ट की वॉल के आसपास रखा जाना चाहिए। उस जगह के अभाव में आप इसे साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन पढ़ते समय बच्चे का फेस नॉर्थ या ईस्ट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। दूसरा, स्टडी टेबल पर गंदगी, धूल, मिट्टी और सामने कुछ फिल्म स्टार के पोस्टर, कुछ ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपके बार बार थॉट लाती है, तो प्लेन वॉल होनी चाहिए। हमेशा साफ सुथरी रखें। टेबल पर क्रिस्टल का पिरामिड, ग्लोब या सरस्वती पिरामिड रखें। स्टडी रूम या जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां मनी या बैम्बो प्लांट लगाएं जिससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। बच्चों के रूम में टूटी फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए, घड़ी तो बिल्कुल भी टूटी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बंद होनी चाहिए, इससे नेगेटिव वाइब्स डेवलप होती है जिसका इफेक्ट आपके बच्चों की सेहत पर भी पड़ता है। जिस फील्ड में बच्चा करियर बनाना चाहता है उनसे रिलेटेड फोटो, पेंटिंग्स, बुक्स आदि जरूर रखें। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए उनके रूप में गुलाब या चंदन की अगरबत्ती जरूर जलाएं। अगर गले में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो जरूर जलाएं, वरना फ्लावर प्लांट में गुलाब के पुष्प रखें। इससे बच्चे के मन में नए नए आइडियाज आएंगे जिससे उनका विजन क्लियर होगा। पढ़ाई करने से पहले माँ सरस्वती का एक ही मिनट सही, लेकिन मन ही मन स्मरण जरूर करना चाहिए। स्टडी कभी भी बिस्तर पर बैठकर या लेटकर नहीं करें। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बनाए रखने के लिए हमेशा ईस्ट फेस में उसे एक आईना लगाकर प्रैक्टिस करने चाहिए रोजाना 15 मिनट तक। न्यूज रीडर बन जाए। जब भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो उसकी पीठ के पीछे दीवार होनी चाहिए। अगर कोई खिड़की या दरवाजा है तो उस पर लाइट कलर का पर्दा लगाएं। जिस रूम में बच्चा पढ़ाई करने के साथ साथ रेस्ट भी करता है उसका बेड ऐसा हो जिसमें सोते समय उसके पैर साउथ डायरेक्शन में ना हो। प्रिय साथियों, इसके साथ साथ बच्चों के लिए विद्यादात्री सरस्वती साधना करना जरूरी है। बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के उनका फिफ्थ हाउस का एनालिसिस जरूर करवाएं ताकि वो बच्चा किस दिशा में पढ़ाई कर रहा है, कब कब उसे तकलीफ आएगी, कब कब उसका अच्छा समय आएगा, क्या उसके उपाय किए जा सकते हैं, ये सारी जानकारी ली जा सकती है। दूसरा, अगर आप माता पिता हैं, लड़ाई झगड़े का घर का माता जो वातावरण है, ज्वाइंट फैमिली है, तो थोड़ा सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करके अपनी जिंदगी तो आपने डिस्टर्ब कर ही रखी है सब झगड़े फसाद में, लेकिन बच्चों का भविष्य मत खराब करिए।
इसके लिए बोल्ड डिसीजन लीजिए ताकि ये पीढ़ी आने वाली जो है वो बेहतर काम कर सके। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे लाइफ स्टाइल वास्तु सीरीज के 28th एपिसोड में। आपके बच्चे स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहकर अपने भविष्य को बनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।